हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, आज है मंडे और बाहर लगी है बहुत जोरों शोरों से बारिश। एंड आपको पता ही होगा कि सावन का आज पहला सोमवार है, तो आज फास्ट भी है। सो मैंने सोचा अभी जल्दी जल्दी से नहा धो लेती हूँ। मैं नहा धो गई हूँ, तैयार हो गई हूँ, मतलब नहा गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ। अब मैं तैयार हो जाती हूँ गाइज, फिर मैं धूप पट्टी करूँगी और जल्दी से ऑफिस जाऊँगी, क्योंकि मैं ऑफिस जाने के लिए भी लेट हो चुकी हूँ। सुबह से लगी थी कुछ काम में, साफ सफाई में। सो आज मेरा फास्ट था, दैट्स व्हाई मैं साफ सफाई कर रही थी, सारी चीज़ें कर रही थी। तो अभी मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि अभी मैं नहा धो के फ्री हुई हूँ, मुझे धूप पट्टी भी करनी है। सो चलिए गाइज तैयार हो जाते हैं, फिर आप लोगों से चीज़ें बाकी शेयर करेंगे। सो गाइज़ अब देखो मैं रेडी होने जा रही हूँ। मैंने ये वैसलीन का लोशन लगाया है अपने फेस पे। सो फेस पे लोशन लगाने के बाद मैंने सोचा मैं अच्छे से अपने मुंह की सफाई कर लेती हूँ, लोशन लगा देती हूँ अच्छे से। और अब लोशन लगाने के बाद गाइज़ अब मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन फेस पे, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी मैं कौन सी सनस्क्रीन लगा रही हूँ। ये देखो सनस्क्रीन मैंने पहले भी दिखाई थी शायद, कि जो जो भी सनस्क्रीन मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने आप लोगों से शेयर करी है। और दूसरा मैंने ये सनस्क्रीन फिर से लगा दी है, और ये दूसरे वाली सनस्क्रीन है। दो सनस्क्रीन मैं यूज़ करती हूँ गाइज़, इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई स्पेशल करती हूँ। सो ये सनस्क्रीन लगाने के बाद अब फाइनली मेरा सनस्क्रीन हुआ ख़त्म, और मैंने लगा दिया, ये देख सकते रहे आप, मश्कारा। मुझे ये मश्कारा तो मैं लगाती लगाती हूँ, ये देखो खुल नहीं रहा था, अब मैंने मश्कारा लगा दिया शीशे के सामने। सो सोचा मैंने थोड़ा सा मश्कारा लगा देती हूँ, और अब इसके बाद ये देखिए मेरा मश्कारा लगते हुए। और अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी गाइज़। ये देखो मैंने लगा दिया लिपस्टिक, लिपस्टिक रह गया था क्योंकि लिपस्टिक के बगैर लुक नहीं आती है मुझे, खुद में ही मुझे लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है। तो ये लिपस्टिक लगाने के बाद गाइज़ आप देख सकते हो मैं इयर रिंग्स लगा रही हूँ कान में, क्योंकि ये मैंने उतारे रखे होते हैं, तो ये मैंने आंचल से लगवाए इयर रिंग्स दोनों कानों में। अब इसके बाद हम चलेंगे पूजा करने गाइज़। तो ये देखिए मैं पूजा कर रही हूँ और धूप बट्टी दे रही हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें तो अब शाम को ही करूँगी। धूप बट्टी करते हुए मैं सो गाइज फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। आपने देखा मैं कैसे तैयार हुई, और मैंने धूप बट्टी करी। उस टाइम पे मैंने टावल सर पे इसलिए बांधा था क्योंकि मेरे बाल गीले भी थे, और मैं नहीं चाहती थी कि धूप बट्टी करते हुए बाल इधर उधर जाएं, दैट्स व्हाई मैंने टावल बांधा था। एंड आपको जैसे कि गाइज आपको पता ही है कि हिमाचल में रेड अलर्ट दिया हुआ है, तो अभी कुछ भी हो सकता है, बारिश बहुत ज़्यादा लग रही है गाइज। सो आप सभी भी अपने घर पे सेफ रहें, घर पे ही रहें। और हम तो जी अब प्राइवेट सेक्टर में छुट्टियां तो होती नहीं है, तो दैट्स वाई हमें जाना ही पड़ेगा। सो मिलते हैं कुछ टाइम बाद। अभी शाम को मैं आपको स्नैरियो दिखाऊंगी मंदिर का, अगर मैं मंदिर गई तो, अगर नहीं गई तो मैं यहीं पर ही घर पर ही चीज़ें करूँगी, धूप बट्टी या जो भी बनता है वो मैं आपको दिखाऊँगी। सो गाइज चलिए चलते हैं, अभी ऑफिस चलते हैं क्योंकि अभी मुझे लेट हो चुका है बहुत ज़्यादा, 9:16 या 17 हो गया है। और ये देखो बहन, बहन की तो छुट्टी है, ये मस्त मजे से पीछे खड़ी है यहाँ पे। सो इसकी तो छुट्टी है, इसको तो मजे हैं, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। सो चलते हैं गाइस, मिलते हैं मंदिर में, या शाम के टाइम जो भी चीज़ें होगी मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइस बात ऐसी हो चुकी है मेरे साथ हो चुकी है, मतलब क्या बोलूँ, खप हो चुकी है, क्योंकि मैंने सुबह से ग्रुप में मैसेज भी देखे थे, फोन पे मैसेज भी देखे थे। मैं ऑलमोस्ट बस निकलने वाली थी ऑफिस के लिए, तब मैंने सोचा कि नेट ऑन कर लेती हूँ, और मेरी आज छुट्टी है गाइस, मैं बिल्कुल तैयार होके रेडी होके ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ। और कैमरे के पीछे बहन है, वो बहुत मुस्कुरा रही है मेरे लिए वो मुझे बोल रही है गाइस कि देखा, और पहले से बोल रही थी कि ऐसा कैसे है, आपकी छुट्टी क्यों नहीं, आपकी छुट्टी क्यों नहीं है। बट मैंने बोला नहीं पागल है, मेरे को तो जाना पड़ता है, क्योंकि मैंने ना मैंने सुबह से मैसेज नहीं देखे थे, मैं एक्टिव नहीं हुई थी सोशल मीडिया पे, तो इस वजह से। बट अब गाइज मेरी छुट्टी है, तैयार तो मैं हो गई हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ अब तैयार हो ही गई हूँ तो एक आधे वीडियोस मैं बना देती हूँ, जैसे कि मैं थॉट्स अपने शेयर करती हूँ वो भी बना देती हूँ। सो बाकी हम जो भी चीज़ें करेंगे गाइज आपके साथ दिखाएंगे। अब तो मंदिर जाना आसान हो जाएगा बिकॉज अब मैं रूम पे हूँ। सो देखते हैं, जब बारिश रुकती है तो मंदिर जाएंगे, अगर नहीं रुकेगी तो बहुत बारिश में भी, देखते हैं जो भी चीज़ें होती है आप लोगों से शेयर करेंगे। और अभी तो साफ सफाई करके सब कुछ हो गए थे, और मेरा तो आज फास्ट है, बांचल के ये खाना खाने का, तो देखते अब क्या करते हैं। अब तो मुझे चेंज करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मैं तो तैयार हो चुकी थी बहुत, तो लोग मिलते हैं थोड़े टाइम में। सो गाइस फाइनली मैंने चेंज कर दिया है, और अभी घर वालों से भी बात हो चुकी है, क्योंकि घर वाले भी टेंशन में थे कि इतनी बारिश में क्यों जाना है, मत जाओ, बट मेरी छुट्टी है सो ये अच्छी बात है। और अब हम देखते हैं हम क्या करेंगे चीज़ें,
सिस्टर बोल रही है कि आपने फास्ट तो रखा है पर मेहंदी नहीं लगाई हाथों में। वैसे मैं लगाती नहीं हूँ पर मैं देखती हूँ कि अगर मैं लगाऊंगी तो इससे लिखवा दूंगी, बिकॉज ये बहुत अच्छी मेहंदी लिखती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। क्योंकि ब्राइडल को भी, इसने 2-3 ब्राइडल को मेहंदी लिख ली है, तो बहुत अच्छी मेहंदी लिखती है मेरी सिस्टर। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो फिलहाल मैं बाल सुखाऊंगी, उसके बाद मैं रेस्ट करूंगी ये घड़ी, क्योंकि आज तो वैसे भी फास्ट है, तो कुछ करने के लिए अभी है नहीं। वैसे दुपट्टी मैंने कर दिया है, बाकी मैं शाम को देखूंगी मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। सो गाइस देखो मेरी बहन को कितनी जला के इसको मतलब दीदी का फास्ट है। सो ये अपने लिए बाड़ी बना रही है गाइस। वैसे इसको कई जगह पर गैंडा भी बोलते हैं और हमारे हां खींडा भी बोलते हैं, बहुत अच्छी चीज होते हैं हमारे बाड़ी बोलते हैं। तो देखो ये बड़ी शिद्दत से अपनी बाड़ी बना रही है, दीदी का कुछ सोच नहीं रही है। ये मेरी बहन है, ये देखो देखो दोस्तों, ये मेरी बहन को देखो, आप देखो इसे, देखिए इसे, ये चालीम बहन है मेरी, जिसको मेरे से कोई मतलब नहीं है। ये देखो बाड़ी घूट रही है, ये घूट रही है दोस्तों, इसकी शक्ल सभी याद रखिए। देखिए गाइस आपने देख ही लिया होगा, मेरी बहन जब भी घर में रहती है वो क्या करती है, ये सिर्फ खाने का काम करती है और खाती रहती है, ठीसती रहती है। आज तो देखो मैगी बना के खूब खा रही है, इसको पता है दीदी तो कुछ खा नहीं सकती, अभी मैं सारा अकेले ही खा लेती हूँ। और मैंने इसको बोला गाइस कि मतलब कि भाई मेरे को मेहंदी लिख ली, उसका इसको आलस लग रहा है, देखो इस बहन को देखो। सो गाइज फाइनली मैं कीप लेके आ गई हूँ शॉप से। सो मैंने सोचा कि चलो लिख ही लेते हैं, इसे लिखाने भेजती हूँ। ये बहुत अच्छी मेहंदी लिखती है गाइज, बहुत ज़्यादा, पर खाती भाव इतना है ना आप पूछो मत, बहुत भाव खाती है मेहंदी लिखने में। लिखती तो है बट बहुत अमेजिंग वाली। मैंने इसी हाथ में लिखानी है, इससे थोड़ी सी लिखाऊंगी। सो देखते हैं कि क्या लिखेगी मेरे हाथों में। सो वो आपको दिखाएंगे हम कैसा कैसा ये डिज़ाइन बना रही है, या लिखने के बाद दिखाएंगे। सो आपको जो भी हम चीज़ें करेंगे दिखाते रहेंगे। सो गाइज़ ये आप देख सकते हैं मेरी बहन ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ये गोला तो देखो इसने मार दिया है। सो गाइज़ ये देखो अंचल ने डिज़ाइन चेंज कर दिया, क्योंकि पहले वाला मैंने ख़राब कर दिया था, मैं वॉशरूम गई थी दैट्स वाई वो ख़राब हो गया था। अब देखते हैं ये क्या डिज़ाइन बनाती है। सो गाइज़ फाइनली मेरी मेहंदी का फाइनल लुक आ चुका है। ये देखो मेरी मेहंदी लग चुकी है। सो गाइस ये आप देख सकते हैं मेरी बहन ने मेरे पास मेहंदी लिख ली है। ये मेरी मेहंदी का फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। होप सो आपको भी पसंद आया होगा। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेहंदी कैसी लगी है जो कि आंचल जुप्टर ने लिखी है। तो मुझे बताएं ज़रूर आपको कैसी लगी है मेहंदी। सो गाइस आपने मेरी मेहंदी तो देख ही ली होगी और अब मैं बिस्तर में आ चुकी हूँ, क्योंकि बाहर आपको पता है मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। सो कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो ज़्यादा सोचना नहीं है उस बारे में। एंड अभी आपको दिख रहा होगा मैं तैयार होके, मैं सुबह की बैठी थी, मुझे लगा कि आज ऑफिस जाना है लेकिन छुट्टी थी। अब मैं सोच रही हूँ एक घड़ी सो जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, तब तक मेरी मेहंदी भी सूख जाएगी। और धोने के बाद मैं गाइज आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरी मेहंदी का लुक कैसा आया है धोने के बाद, कैसी लगती है कैसी नहीं लगती है। सो और भी चीज़ें हम करेंगे शाम के टाइम। मैं अब उठूँगी शायद 4-4.30 बजे मैं उठूँगी सो के, ताकि मुझे पूरियाँ भी बनानी है। देखते हैं अगर मैं पूरियाँ बनाऊँगी तो आपको भी दिखाऊंगी, और फिर भोग वगैरह भी बनाना है, मंदिर भी जाना है। अगर मौसम ठीक रहा तो मंदिर जाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं हम क्या करेंगे। बने रहें, आपको मज़ा आने वाला है। अभी मैं एक घड़ी सो जाती हूँ, फिर सोने के बाद जब मैं उठ जाऊँगी फिर आपसे बात करती हूँ गाइज। सो गाइज अभी मैं सो के उठ गई हूँ और मेरी मेहंदी भी ऑलमोस्ट सूख गई है। ये देखो ये कुछ इस तरह से हो गई है। मैं अब सोच रही हूँ कि मैं धो लेती हूँ, क्योंकि 3 बज चुके हैं और मुझे तैयारियाँ भी करनी है। आज मैं सोच रही हूँ मैं पूरियाँ बनाऊँगी और खीर बनाऊँगी, एंड जो भी रहता है भोग के लिए उकशारा जिसको बोलते हैं वो भी बनाऊँगी। तो देखते हैं मैं क्या क्या चीज़ें करूँगी, आप लोगों के साथ दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल शायद क्या मुझे मेहंदी धोनी ही पड़ेगी, बिकॉज मुझे आटा भी गूंदना है तभी पूरियाँ बनेंगी। सो देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें करेंगे वो आप साथ दिखाएंगे। पीछे देखो मेरा बिस्तर ऐसा ही पड़ा है क्योंकि मैं अभी तक सोई भी थी। सो देखते हैं हम क्या करते हैं, आप लोगों के साथ दिखाएंगे, बने रहिए मेरे साथ। सो गाइज ये देखिए फाइनली धो के ऐसा कुछ लुक आ गया है मेरी मेहंदी का। ठीक है ये थोड़ी फीकी लग रही है अभी, शायद कल गाढ़ी हो जाएगी। अगर मैं रात में लगाती और सुबह धोती तो और ज़्यादा गाढ़ी होती, बट ठीक है कोई ना, थोड़ी सी मुझे लगानी थी वो मैंने लगा दी है। अब मुझे काम करना है, सो काम कर लेते हैं गाइज। सो गाइज यहाँ देखिए मैंने चावल चढ़ा दिए क्योंकि मुझे खीर भी बनानी है, और इधर गूंदेंगे हम आटा क्योंकि पूरियाँ बनानी है। तो हम लग गए हैं तैयारियों में। सो गाइज फाइनली हम तैयारियों में लग चुके हैं कि मैं सोच रही हूँ कि खीर भी बना देती हूँ और पूरियाँ भी बना देती हूँ, और फिर
फिर जो रक्षा रहता है हलवा, मतलब जो भी रहता है वो भोग सा, वो भी मैं बना दूंगी। तो फर्स्ट है सावन, तो आज मैं अच्छे से बनाऊंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं कैसे कैसे बना रही हूँ। बने रहे, आपको मजा आने वाला है गाइज। मैं अभी से तैयारियां इसलिए कर रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि 4, 4:30, 5 बजे के करीब तो पूजा भी करनी होती है। देखती हूँ अगर मंदिर जाना हो रहा तो मैं मंदिर जाऊंगी, अदरवाइज मैं यहीं घर पे फिर पूजा करूंगी अगर बारिश ऐसी रही। सो आप बने रहे, आपको भी दिखाऊंगी। सो गाइज फाइनली मैंने तैयारियां कर दिया। यहाँ पे आटा है और तेल मैंने डाल दिया, वहां पे मैं खीर बना रही हूँ। सो अभी मैं पूरिया बनाऊंगी गाइज, क्योंकि मुझे लगा कि अभी 3:30-4:15 तो हो ही गया है, तो मैं तैयारी स्टार्ट करती हूँ। तब तक की मेरी पूरिया बनेगी, 4, 4:30 तक तो पूरिया ही बनेगी। तो मैं पूरिया बना देती हूँ और आप लोगों के साथ भी दिखाऊंगी मैं पूरिया कैसे बना रही हूँ। अभी तो तेल आ ही रहा है, अभी देखो तेल अभी उतने अच्छे से आया नहीं है, पहले तेल आने देते हैं फिर हम पूरिया बनाते हैं। सो ये देखिए गाइज मेरी पूरिया, मैं सिस्टर को बोल रही थी कि यहाँ दिखा पे दिखा ले, ये देखो पूरिया बनती हुई, बट ये ज्यादा फूली नहीं है क्योंकि मेरे पास तेल वो नहीं था, आटा उसरावा नहीं था, मैंने उसमें ईस्ट भी नहीं डाली थी, कुछ भी नहीं डाला था, ऐसे ही बनाया था, बट फिर भी बना दिया जैसे तैसे करके। सो ये मेरी पूरिया बन रही है गाइज, देखिए आप मेरी पूरिया। सो गाइज फाइनली मेरी पूरिया खत्म हो चुकी है, मैंने पूरिया बना दिया है। ये थोड़ा सा फुला हुआ नहीं आटा क्योंकि इसमें मैं ईस्ट डालना भूल गई थी, ईस्ट मेरे पास थी नहीं तो मैंने डाली नहीं, और बार बारिश लगी तो लगी नहीं। तो अब हम यहाँ रखते हैं, इसमें जितनी पूरिया इसमें आएगी, मेरी पूरिया बन चुकी है आई थिंक। सो इसमें ना ज्यादा पूरिया नहीं आ पाएगी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, मैंने छोटी छोटी ही बनाई है। इसमें रख लो, इसमें वो बनाना है, ठीक है। मैंने इसमें फिलहाल पूरिया रख दी है गाइस, और जो बच गई है वो मैं अभी इसी में ही रखूंगी, यहाँ पे मत खराब हो जाए। यहाँ पे मैंने पूरिया बना दी है। सो जो भी चीजें हम बनाएंगे वो आप लोगों के साथ दिखाएंगे, होप सो आपको अच्छी लगी होगी। पूरियों पे ज्यादा ध्यान ना दें क्योंकि ये इस वजह से थोड़ी ऐसी हो गई है, बिकॉज इसमें ईस्ट नहीं पड़ी थी ना, लस्सी थी मेरे पास तब तब जाके दो पल में। सो गाइस देखो हमारा हलवा बन के तैयार हो गया, और ये देखो आप मेरी बहन सुबह से खा रही है लेकिन फिर भी इसको कमजोरी आ गई। देखिए दोस्तों ये इसको कमजोरी आ गई, अभी भी ये खाना ढूंढ रही है। मैंने इसको बोला कि थोड़ा सा वेट कर ले, थोड़ी देर में व्रत पूजा कर लूंगी फिर खाइयो, बोलती तब तक तो मैं मर जाऊंगी। सो गाइज 4:30-5:15 हो चुके हैं और मेरा हलवा तैयार है और पूरिया बन गई है। खीर बनानी थी बट दूध नहीं है जिस वजह से खीर शायद नहीं बन पाएगी, बट कोई बात नहीं। अब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, मुँह हाथ धो लेती हूँ, सुबह की तैयार होकर बैठी थी, सुबह तो ऑफिस के लिए तैयार हुई थी तो उसके बाद मैं फिर वैसे ही रही, बट अब मैं तैयार हो जाती हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ तो थोड़ी देर में मैं पूजा कर लूँगी। बिकॉज मुझे जाना तो मंदिर था बट मंदिर जाने के आसार नहीं है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश लगी है गाइज। आप बाहर को अगर मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊँ तो बाहर का नज़ारा बहुत ही भयंकर है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से इतना ही दिखता है लेकिन बारिश बहुत हो रही है तो मंदिर जाना तो पॉसिबल नहीं। सो गाइस मंदिर जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बट मैं सोच रही हूँ अब मैं यहीं पूजा करूँगी। और यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे को दिख रही है ये लड़की जो कि खाना निकाल रही है। सो अभी हम अंदर चलते हैं, मुँह हाथ धो लेती हूँ, फिर आगे की चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। सो गाइस फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ। तैयार तो क्या किया मैंने, मुँह हाथ धोया, थोड़ा सा और लिपस्टिक लगा दिया, बाकी मैंने क्या ही तैयार होना था। अब मैं थोड़ी देर में, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 5, अब मैं थोड़ी देर में अपनी थाली तैयार करूंगी, पूजा की थाली। मंदिर जाना तो गाइस पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बाहर आपको बताइए बारिश बहुत ज़्यादा है, और सिस्टर से पूछ लेते वैसे वो आएगी नहीं। हेलो मंदिर चलोगे तुम मेरे साथ? जी नहीं, इतनी बारिश में। हाँ ये तो देखो गाइस, ये मंदिर आने से रही मेरे साथ तो, और बारिश भी हो रही है तो मैं भोग वगैरह कैसे लेके जाऊंगी, वो टफ हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए मैं यहीं आज पूजा करूंगी, इस बार अपने ही कमरे में पूजा करूंगी। और देखती हूँ क्या होता है, फिर भी अगर मैं जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, बट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। सो गाइज फाइनली मेरी थाली तैयार हो गई है पूजा की, और मैं सोच रही हूँ बारिश थोड़ी सी रुक तो गई है, मंदिर जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन अभी मैं यहीं पूजा करूंगी।
सुबह फाइनली मैं मंदिर पहुंच चुकी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे थाली लाई। ये इसमें ये था, ये रख के आई हूँ। सो गाइस फाइनली मैं मंदिर से वापसी आ गई हूँ और मैंने धूप पट्टी कर दी, मन को शांति मिली। अब मैं जाती हूँ नीचे रूम की ओर क्योंकि बारिश तो अभी भी लगी रही है। सो गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस। और पूजा पाठ मैंने कर दिया था जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मंदिर भी होके आ गई थी। सावन का पहला दिन बहुत अच्छा रहा। होप सो सभी पे शिव भगवान अपनी कृपा बनाए रखे, मैं यही दुआ करती हूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।